गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए हम लोग आज बात करते हैं मेडिकल कोर्सेज की ओवरव्यू के बारे में। देखिए, आपके सामने हम रखा है 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो हम मेडिकल कोर्स के अंतर्गत ओवरव्यू देखने वाले हैं। कोर्स का नाम है MBBS अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में MD या MS। आइए हम कोर्स की लेवल के बारे में जानकारी लेते हैं। जब कोर्स की अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसको ग्रेजुएट UG का बोलते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट को हम PG बोलते हैं। जब हम कोर्सेस की ओवरव्यू एक बार नज़र करते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है। कितनी अवधि हम लोग पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट में हमको समय देना पड़ेगा और PG में कितना समय देना पड़ेगा, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। द मैन ऑफ विजडम चैनल के माध्यम से ये हमको रूबरू करने का अवसर मिला है, जिसकी अवधि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 4 ईयर्स होती है और 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। PG के लिए 3 साल होती है, UG 4 ईयर्स प्लस 1 ईयर। यू थिंक यू सक्सेसफुली कम्प्लीटेड योर मेडिकल कोर्सेस, इट मे बी MBBS और मे बी BDS और सिमिलरली इन PG ऑल्सो यू हैव टू पुट योर 3 ईयर्स ड्यूरेशंस, देन योर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शैल बी कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। लेट अस हैव द मेडिकल कोर्स की ओवरव्यू जरिया में आपको एग्जामिनेशन टाइप भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ईयरली सिस्टम होती है और सेमिस्टर सिस्टम भी है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको विदित होना पड़ेगा, ये ईयरली सिस्टम में परिचालित होता है। ये मेडिकल कोर्सेज की UG एंड PG के बारे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं और आप लोग को विदित होगा जो मेडिकल कोर्स की ओवरव्यू में जो स्ट्रीम होता है। UG के लिए मेडिकल साइंस होता है और पोस्ट ग्रेजुएट में हम लोग को स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS, आपको थरो कोई प्रोफेशनलिज्म में एक स्पेशल सब्जेक्ट में आपको चुनना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट में आप मास्टर बनेंगे। कोई गायनोकोलॉजिस्ट होगा, कोई स्किन होगा, कोई ऑर्थोपेडिस्ट होगा, कोई पेडियाटिक होगा, कोई डेंटल सर्जरी होगा, लाइक दैट। यू हैव टू चूज योर चॉइस एज पर योर रैंक्स, एज पर योर मेरिट्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सुन आफ्टर MBBS, देन ओनली योर स्पेशलाइजेशन की चॉइस के मुताबिक आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन डिफरेंट PG कॉलेजेस में देखना भी पड़ेगा कि आपका चॉइस के मुताबिक अवेलेबल सीट है या नहीं है। देन अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट चॉइस के लिए भी आपको चॉइस फिलिंग्स करना पड़ता है। आइए, जो एलिजिबिलिटी होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, एज यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू दैट 10+2 या 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको जो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
बायो में बटनी एंड जूलॉजी जो मेन सब्जेक्ट रखे होंगे उन्हीं लोग एलिजिबल हो पाएंगे यूजी नीटी एग्जामिनेशन देने के लिए। उस तहत में उन लोग का मेडिकल साइंस में फिर चयन होगा सब्जेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी कटअप्स एंड स्कोरिंग्स मेरिट्स एंड स्कोर कार्ड्स एंड सिमिलरली ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजी के लिए एमबीबीएस बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुली कंप्लीशन एमबीबीएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी देन ओनली आप एलिजिबल हो पाएंगे पीजी करने के लिए। आइए अगर इसको समारी रूप में देखेंगे आपके सामने कोर्स के बारे में हम बता दिया एमबीबीएस एमडी या एमएस के लिए कोर्स लेवल ग्रेजुएट यूजी और पीजी ड्यूरेशन हमने आपके सामने रखा है जो 4 इयर्स + 1 ईयर इंटर्नशिप 3 इयर्स पर पीजी स्ट्रीम मेडिकल साइंस स्पेशलाइजेशन आफ्टर एमबीबीएस एग्जामिनेशन टाइप ईयरली सेमिस्टर फॉर यूजी एंड ईयरली फॉर पीजी एलिजिबिलिटी एज आई डिस्कस्ड एंड इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल द मैन ऑफ विजडम देन मेनी मोर इन्फॉर्मेशंस विल बी अपडेटेड यू अबाउट द मेडिकल कोर्सेस वेरी सुन। थैंकिंग यू वेरी मच।